अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। ये आउटडोर यूनिट है जिसका ब्रेकर ट्रिप हो रहा था, तो ट्रिपिंग का लेकिन वीडियो अपलोड किए हुए हम उसका नहीं बनाएंगे, अभी हम इसको बताएंगे आपको। अभी तक आउटडोर मेरा ऑन नहीं हुआ है, तो इसमें जो आउटडोर का जो डिमांड होता है, मतलब इंडोर से मेरा सिग्नल आ रहा है कि नहीं, जो सेंडिंग है वो कैसे चेक करते हैं, सिग्नल आ रहा है कि नहीं कैसे मालूम चलेगा, कि कंप्रेसर को कॉन्ट्रैक्टर को ऑन करने के लिए जो सिग्नल होता है वो आ रहा है कि नहीं, जो डिमांड वाला वायर, ठीक है उसको हम लोग चेक करेंगे। तो देख लीजिए, सबसे पहले यहाँ पर एक ये लाइन है, ये न्यूट्रल है, ठीक है, दोनों ग्राउंड का वायर है। यहाँ आर सी जो है ये एक फेस है, एक न्यूट्रल है, ठीक है, और ये जो फेस वाई है जो ये, तो अभी कंप्रेसर मेरा ऑन नहीं हो रहा है, तो अभी हम लोग कैसे चेक करेंगे जो इंडोर से जो है, इंडोर से हमारा वायर जो है सिग्नल जो है सेंडिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा, कौन कौन सा हम लोग लगा के चेक करते हैं, अभी हम लोग वही चेक करेंगे। छोटा सा दो मिनट के अंदर एक वीडियो हम बता दे रहे आपको कैसे इसको चेक करते हैं। तो ठीक है, जो आर आर सी है एक फेस एक न्यूट्रल है, ठीक है, तो हम लोग आर आर सी में हम लोग वोल्टेज चेक करेंगे। देखिए आर आर सी में लगाए यहाँ पर, यहाँ पर वोल्ट लगाए 230 वोल्ट आ रहा है। अब हम लोग को कैसे मालूम चलेगा इसमें सिग्नल आ रहा है कि नहीं, वाई में सिग्नल आ रहा है, तो सबसे पहले हम लोग अगर हम लोग वाई आर आर में लगाएंगे तो 220 नहीं आएगा, ठीक है, देखिए वाई आर आर में लगाएंगे तो 220 नहीं आएगा, देखिए नहीं आ रहा ना, देखिए सी, ठीक है, अभी हम लोग सी आर एक वाई में लगाएंगे, देखिए एक सी और एक वाई में लगाएँ, सी आर वाई में, यहाँ 220 सप्लाई आ रहा, मतलब है कि ये जो कॉमन है, कॉमन से हम लोग इसमें चेक करेंगे, अगर 220 सप्लाई आ रहा है तो मतलब है कि हमारा जो अभी इंडोर से इसमें सिग्नल नहीं आया है, ठीक है, अभी हम लोग इसको आर में लगाएं, देखें यहाँ आर में आर वाई में लगाएंगे, ठीक है, आर वाई में लगाएंगे, यहाँ पे अभी सप्लाई नहीं आ रहा, मतलब है कि अभी इंडोर से हमारे जो बताएं सेंडिंग, अगर आर आर वाई में लगाते हैं हम लोग और यहाँ 220 आ रहा है, तो मतलब है कि इंडोर से मेरा जो सिग्नल का वायर है वाइट वाला, ये सिग्नल का वायर है, ये जो वाइट वाला वायर है ये सिग्नल का है। अगर आर आर वाई में लगाएंगे और मेरा वोल्टेज यहाँ पे आ रहा है 220 वोल्टेज आ रहा है रेड और वाइट में, आर आर वाई में आ रहा है 220 दोनों वोल्टेज, मतलब है कि मेरा सिग्नल इंडोर से भेज रहा है। उसका बाद हम लोग इधर कॉन्ट्रैक्टर चेक करते हैं कि भाई कॉन्ट्रैक्टर का कोयल कटा हुआ तो नहीं, कॉन्ट्रैक्टर कोयल मसला है तो भी इसमें कंप्रेसर मेरा ऑन नहीं होगा, कैपेसिटर का मसला है तो भी ऑन नहीं होगा, इधर कंप्रेसर का टर्मिनल है अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो भी ऑन नहीं होगा। तो अभी तक इंडोर से इसका जो है अभी तक डिमांड जो है आया नहीं है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कैसे हम लोग चेक करते थे। पहले बता दें जो आर एस सी, ठीक है, एक आर एक सी ए फेस आता है, तो हम लोग एक न्यूट्रल एक फेस मान लो ऐसे करें, आर वाई आर एस सी में लगाएंगे, इसमें अगर 220 सप्लाई अगर यहाँ पर मीटर में बताता हमारा, तो मतलब है कि हमारे यहाँ से सप्लाई आ रहा है, ठीक है, मतलब सप्लाई आ रहा है। हम लोग का कंप्रेसर का आगे का जो वायरिंग है उसको हम लोग चेक करें, जो इस साइड के वायरिंग होता है इसको चेक करें, कॉन्ट्रैक्टर को, कॉन्ट्रैक्टर से वायर कैपेसिटर को टोटल हम लोग चेक करेंगे, कंप्रेसर टर्मिनल को, और हम लोग उसको ट्रेस आउट करके ठीक कर लेंगे। लेकिन अभी क्या इंडोर से हमारे अभी तक सिग्नल नहीं आया है, ठीक है, अभी इंडोर सिग्नल नहीं आया, अगर सी आर वाई में आ रहा 220 मतलब कि फेस न्यूट्रल है, इसमें आएगा 220, आर से आर वाई में आना चाहिए, आर आर वाई में आना चाहिए इसमें, ठीक है, इसका वायरिंग के हिसाब से, तो अभी तक इसमें अभी तक सिग्नल नहीं आया, सिग्नल आएगा तो हमारा कंप्रेसर भी ऑन होना रनिंग होना शुरू हो जाएगा। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर अच्छा लगता है लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, फिर इंशाल्लाह एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।